जयश्री मिश्रा दुर्ग। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। भगवान सुखी रखे। बताएं बेटा। 11/12/79 का जन्म है इनका। समय बताएं। 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते जी। आपकी कुंडली अगर सही है जी, तो पिछले 1.5-2 साल से हार्मोन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। जी जी पंडित जी, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आपकी कुंडली अगर सही है जी, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्या करें क्या ना करें। सही जी, बात बिल्कुल सही बात। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके पिताजी को जी नसें चोक होना, नसें दबना, ब्रेन में दबाव होना, पेट में तकलीफ होना, ये सारी बातें सही हैं? जी सही हैं, पर अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पर ये समस्याएं उनको थी। थी थी। सही बात है जी, बिल्कुल। ये कुंडली सही है, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि आगे की, अभी तो हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, तो वही जानना चाह रही थी। हम लोग घर सेल करना चाह रहे थे, हो नहीं रहा है। वर्तमान में तो नहीं दिख रहा जी, इसके लिए कुछ उपाय? 1.5-2 साल इंतजार करें जी, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में मकान हो जाएगा। ठीक है, मैं एकादशी का उपास करती हूँ पूर्णिमा का, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है, ये जानना चाह रही थी। कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। पंडित जी, अभी जिसमें रह रहे हैं ना, हम ही लोगों का मकान है, उसको ना सेल आउट करना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ उपाय हो तो। मकान के मुख्य दरवाजे पर 5 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर गुरुवार के दिन मुख्य दरवाजे पर टांगने जी, अंदर तरफ जी। ऐसा करने से आपका मकान जल्दी बिक सकता है, बिकेगा ही, ऐसा नहीं। ऐसा कहेंगे तो यहाँ कई बिल्डर ठेकेदार बैठे होंगे जो पीछे पड़ जाएंगे कि मेरा प्लाट बिकवा दो, मेरी चनखुरी में जगह है। और मुझे आपके यानी लाइव दर्शन हो के मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सिर्फ यानी मोबाइल में ही देखा था और ये मुझे बताते थे। एक बार मैं देखी, मैं सोची मैं तो कभी जा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊंगी। गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद उस समिति को दें जिस समिति के माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जानना चाह रही थी गुरुजी कि मुझे किसकी भक्ति करनी चाहिए। वैसे तो मैं माता जी की करती हूँ। माता जी की ही सेवा आपको सफल होगी जी, आप जी, चिंता न करें। ठीक जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, भगवान सुखी रखे।